तेईस पार्टियों की अपील के बाद कोलकाता में ममता बनर्जी ने खत्म किया धरना। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर सीबीआई छापे की कोशिश के बाद रविवार शाम से धरने पर थी। धरना खत्म करने के साथ ममता का ऐलान, अगले हफ्ते दिल्ली में करेंगी विरोध प्रदर्शन। ममता ने फिर किया कोलकाता के कमिश्नर का बचाव, कहा राजीव कुमार ने कोई गलती नहीं की। कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार पर सख्त, गृह मंत्रालय सूत्रों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी चिट्ठी। सूत्रों के अनुसार ममता के साथ कमिश्नर के धरने पर बैठने को सरकार ने बनाया कार्रवाई का आधार। ममता का मोदी सरकार पर आरोप, राजीव कुमार को लेकर दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाए जा रहे हैं आरोप। ममता ने कहा, मेरे धरने में शामिल नहीं थे राजीव कुमार, सीएम को सुरक्षा देना पुलिस चीफ का काम। शिलांग में राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई के चार पांच अधिकारी तैयार, सूत्रों के अनुसार डीसीपी के तथागत वर्धन करेंगे अगुवाई। ममता बनाम सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शिलांग में सीबीआई के सामने पेश हो कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से दी राहत, 20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर की पेशी होगी, अवमानना के आरोप का जवाब देना होगा। सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कोलकाता पुलिस ने शारदा घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने की राजीव कुमार की पैरवी, कहा सीबीआई का इरादा सिर्फ एक अफसर को प्रताड़ित करना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने बताया नैतिक जीत, कहा हर संस्था को करना चाहिए दूसरे का सम्मान। ममता बनर्जी ने कहा यह हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, बंटवारे की राजनीति कर रही है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी अपनी जीत बताने की होड़, रविशंकर प्रसाद ने कहा सीबीआई की जीत। आज का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है वो सीबीआई की नैतिक विजय है, ये मोरल विक्ट्री है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बोले ममता सरकार को अस्थिर करना चाहती थी केंद्र। पुरुलिया से ममता सरकार पर योगी आदित्यनाथ का कड़ा हमला, टीएमसी सरकार को बताया निर्मम, बर्बर, आंतरिक और भ्रष्ट। योगी की ममता को चेतावनी, कहा सरकार आई तो तख्ती लटकाकर घूमेंगे टीएमसी के गुंडे। एक बार पुनः मतदान को टीएमसी के गुंडागर्दी से, अराजकता से, भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाने के संविधान के लिए हम सब निर्भर के संविधान के लिए आगे बढ़े। हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत न मिलने पर सड़क के रास्ते पुरुलिया पहुंचे थे योगी, झारखंड के बोकारो में हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। पुरुलिया में योगी के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, योगी और मोदी के खिलाफ नारे लगवाए। पश्चिम बंगाल में ममता और योगी में कड़ी जुबानी जंग, ममता बोली यूपी संभलता नहीं बंगाल में घूम रहे हैं। उनको बोले पहले यूपी को संभाले, पहले यूपी को संभाले, यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया। ममता पर योगी का पलटवार, यूपी की चिंता छोड़िए बंगाल पर ध्यान दीजिए। योगी के रैली से पहले जमकर हुआ सियासी ड्रामा, बीजेपी ने लगाया आरोप पुरुलिया प्रशासन ने नहीं दी रैली की इजाजत। रोकने में भी उन्होंने प्रयास किया है, शिवराज जी की रैली में भी गतिरोध बनने का उन्होंने प्रयास किया है, योगी जी की रैली को रोकने में भी उन्होंने प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर प्रियंका वाड्रा की आधिकारिक एंट्री, कार्यालय में लगा बोर्ड। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक, यूपी चुनाव को लेकर मंथन। सूत्रों के अनुसार 7 फरवरी को प्रियंका वाड्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ पहली बैठक करेंगी। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले राहुल गांधी, जीत का मंत्र दिया। कल उड़ीसा के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कालाहांडी और राउरकेला में जनसभाएं।
सातवें दिन अन्ना हजारे ने खत्म किया अनशन, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जूस पिलाई। लोकपाल की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे अन्ना, मांग पूरी न होने पर पद्म पुरस्कार लौटाने की धमकी दी थी। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मिले प्रशांत किशोर, मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर ने उद्धव से की चुनावी रणनीति तैयार करने में मदद की पेशकश, लेकिन संजय राउत ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी आईटी सेल को कहा इंटरनेट टेररिस्ट सेल। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन हंगामा, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने फेंके कागज के गोले। हंगामे में शामिल थे एसपी और बीएसपी विधायक, हंगामे के दौरान एसपी विधायक सुभाष पासी बेहोश। हंगामे को लेकर एसपी बीएसपी पर भड़के सीएम योगी, कहा गुंडागर्दी इनकी पुरानी आदत। लखनऊ में एसपी विधायक एमएलसी धरने पर, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अलीगढ़ दौरा, कल बूथ का अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, विरोध में टीएमसी का सदन से वॉकआउट। संसद में एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव का केंद्र पर हमला, कहा सरकार खुद झूठ बोलती है और राष्ट्रपति से भी झूठ बुलवाती है। संसद में टीडीपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी के बीच गठबंधन टूटने के संकेत, बीएसपी प्रभारी का बयान, चौटाला परिवार एक नहीं हुआ तो संबंध खत्म। आईटी पर संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर इंडिया को भेजा समन, ट्विटर पर पूर्वाग्रह का आरोप है। एनआरसी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में झटका, प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा सरकार के ऐसे रवैये से हम परेशान, गृह सचिव को समन करने की दी चेतावनी। एनआरसी पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुप्रीम कोर्ट से तय डेडलाइन के अनुसार पूरी करेंगे प्रक्रिया। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कॉरपोरेट लॉबीज़ दीपक तलवार, अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे में गिरफ्तारी को दी चुनौती। भीमा कोरेगांव केस में 12 फरवरी तक आनंद तेलतुंबड़े की नहीं होगी गिरफ्तारी, पुणे पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को भरोसा दिया। कांग्रेस में शामिल हुई टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे, अंगूरी भाभी के किरदार से हुई थी लोकप्रिय, बिग बॉस भी जीत चुकी। मुझे लगता है कि देश को बहुत पीस की ज़रूरत है, आराम से सारी चीज़ें होनी चाहिए और आई थिंक वो कांग्रेस ही कर सकता है। रोहतक से केजरीवाल का मोदी शाह पर निशाना, कहा 2019 में बीजेपी जीती तो दोनों बदल देंगे पूरा संविधान। बेंगलुरु में सिद्धारमैया की डिनर डिप्लोमेसी, आज कांग्रेस मंत्रियों को दे रहे हैं भोज। कल सुबह 10 बजे शुरू होगी अखाड़ा परिषद की प्रयागराज परिक्रमा, आज आपात बैठक में फैसला हुआ। आम आदमी पार्टी के मुस्लिम पार्षद पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हंगामा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर उल्लंघन, कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग। पंजाब के फिरोजपुर में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया, पुलिस कर रही है पूछताछ। नवी मुंबई में 2 संदिग्ध पैराशूट दिखे, एटीएस चला रही है सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक के कनकपुरा में सेना के हेलीकॉप्टर ने की इमरजेंसी लैंडिंग, एयरक्राफ्ट और पायलट सुरक्षित। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में हिंदू महासभा के पंडाल में भीषण आग लगी, 2 टेंट जलकर खाक। यूपी के बुंदेलखंड में मोमबत्ती से लगी घर में आग, बुजुर्ग दंपत्ति की जलने से मौत। नोएडा के क्रॉसिंग्स रिपब्लिक टाउनशिप के पास अवैध तरीके से डंपिंग ग्राउंड बनाने का विरोध, लोगों ने रोका रास्ता। फतेहाबाद में स्कूल में गैंग वॉर, 12वीं के छात्र को 10वीं के छात्रों ने चाकू से गोदा, अस्पताल में मौत हुई। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई, जाली नोटों का सौदागर गिरफ्तार, 50,000 का इनामी था। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय नगर में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप, 950 ग्राम हेरोइन जब्त, 1 गिरफ्तार। कानपुर में तेज रफ्तार टैंकर हादसे का शिकार, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बिहार के सहरसा में ट्रेन लेट होने पर हंगामा, आरपीएफ परीक्षार्थियों ने स्टेशन में तोड़फोड़ की। बिहार के गया में एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, सीसीटीवी कैमरे पर डाला काला कपड़ा। छिंदवाड़ा में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, खूनी संघर्ष में 4 घायल, वीडियो वायरल।
भोपाल के गांधी भवन में करणी सेना के कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ जवान से साथियों पर गोली चलाई, दो जवान घायल, आरोपी जवान गिरफ्तार। दिल्ली में हनी ट्रैप में फंसाकर कैब चालक की नृशंस हत्या, लाश को टुकड़ों में काटकर नालों में फेंका, लड़का लड़की गिरफ्तार। कर्नाटक के मैसूर में हीलियम भरे बलून में ब्लास्ट, आग के गोले से तीन लोग झुलसे। मिराज 2000 एयर क्रैश में मारे गए स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ नेगी के परिवार से रक्षा मंत्री की मुलाकात, 1 फरवरी को बेंगलुरु में हुआ था हादसा। उज्ज्वला योजना ने बनाया भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता, 2025 तक मांग में 34% बढ़ोतरी का अनुमान। मंगलवार से आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा रिटेल महंगाई दर और कच्चे तेल में कमी से ब्याज दरों में कटौती करेगा आरबीआई। सरकार ने 2018-19 में अतिरिक्त खर्च के लिए मंजूरी मांगी, 1,98,831 करोड़ के अतिरिक्त खर्च के लिए इजाजत मांगी। अगले 2 साल में 24 घंटे में प्रोसेस होंगे रिटर्न और रिफंड, टैक्स डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है नया मैकेनिज्म। 2019-20 में वित्त मंत्रालय ने जताई 7.5% विकास दर की उम्मीद, आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने जताया अनुमान। 34 अंकों की बढ़त के साथ 36,616 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 22 अंक बढ़कर 10,934 पर बंद। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने घटाई एयरटेल की रेटिंग, Ba1 से घटाकर अक्टूबर दिसंबर तिमाही में BHEL का मुनाफा 25% बढ़कर 191 करोड़, पिछले साल की तीसरी तिमाही में 153 करोड़ था प्रॉफिट। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में PNB का मुनाफा 7.12% बढ़कर 246 करोड़ रुपए हुआ, पिछले साल की तीसरी तिमाही में 230 करोड़ था बैंक का प्रॉफिट। जनवरी में टाटा मोटर्स की नैनो को नहीं मिला एक भी ग्राहक, अप्रैल 2020 में BS6 नियमों के आने से पहले कंपनी बंद कर सकती है उत्पादन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल शुरू होगी 3 मैचों की T20 सीरीज, वेलिंगटन में कल दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा मैच। T20 सीरीज से पहले ओपनर शिखर धवन की दहाड़, कहा वनडे की तरह T20 सीरीज भी जीतेंगे। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री का बड़ा बयान, कहा विदेश में कुलदीप यादव होंगे टीम इंडिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। बॉल टैंपरिंग कांड में बैन का सामना कर रहे स्टीव स्मिथ वर्ल्ड कप से भी रह सकते हैं बाहर, ठीक नहीं हुई है कोहनी की चोट। रंगभेदी टिप्पणी की वजह से बैन का सामना कर रहे सरफराज अहमद के पक्ष में आया PCB, कहा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।